दिस इज गुरु मान. आज का टॉपिक आपने पढ़ लिया, नेचुरल बॉडी वर्सेस स्टेरॉयड बॉडी. एक ऐसा टॉपिक जो हमारे यूथ को इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए. कई सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, एटसेट्रा एटसेट्रा. लॉट ऑफ पीपल पुट द डीमोरलाइज पीपल इन द फिटनेस इंडस्ट्री, विच इज टोटली इनकरेक्ट. अब आपको क्या करने वाला हूँ मैं, एक साइंस है जिसको मैं मैथ के साथ समझाने वाला हूँ. मेरी बात समझे आप? क्यों? क्योंकि मैथ आपको ईजी समझ आएगा. 2 + 2 = 4, 5 + 5 = 10. मैथ की कैलकुलेशन है, जो सिंपल कैलकुलेशन है, वो आपके समझ में बहुत जल्दी आएगी. और काफ़ी डीप इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं इसके ऊपर. एंड अगर वीडियो थोड़ी सी छोटी बड़ी होती है तो छोटी तो नहीं होगी, अगर लेंथी होती है तो जस्ट इग्नोर इट, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर इफ आई कैन गिव यू एटलीस्ट मेजॉरिटी के अंदर बल्क में एक मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे दूँ आज, तो दैट वुड बी गुड इनफ. ठीक है, चलिए, नेचुरल वर्सेस स्टेरॉयड बॉडी. तो लाइन ड्रॉ करता हूं और पॉइंट बाय पॉइंट हम चलते हैं. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको ऑलरेडी मालूम है क्या है, मैं आपको यहां थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं. मसल बिल्ड करने के लिए मेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट पावरफुल हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन मेल नंबर वन मेल हार्मोन फॉर मसल बिल्डिंग, फॉर स्ट्रेंथ, फॉर सेक्स ड्राइव एटसेट्रा एटसेट्रा. बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की. टेस्ट लिख दिया मैंने, आई होप आप पढ़ पा रहे हो. मुझे मालूम नहीं है कि ये जो मेरे मार्कर है ये शाइनी ग्लिटरी है, तो मुझे लगता है कि शायद मुझे चेंज करने पड़ेंगे और शायद इस बोर्ड के ऊपर थ्रू लाइटिंग एंड एवरीथिंग मुझे मालूम नहीं है कि किस तरह से आएगी, बट आई होप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बस साथ में, तो मैं रिपीट कर दूंगा जो भी लिखा होगा. आई होप आप पढ़ पाए, क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग विच आई वांट टू प्रेफर. एनीवेज, इसको मैं बाद में चेंज करूंगा. टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं. एक नेचुरल बंदा, एक नेचुरल और नॉट नेचुरल. नॉट नेचुरल मीन्स समवन हु इज इंजेक्टिंग हॉर्मोन्स, इंजेक्टिंग एक्स वाई जी एनीथिंग, ड्रग मेडिसिन एक्सेट्रा. नेचुरल जो कोई छेड़खानी नहीं कर रहा बॉडी के साथ, नेचर नेचुरल कुदरती. टेस्टोस्टेरोन, हमारी बॉडी कितना टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है एवरी डे या वीकली, किसी को आइडिया? चलो मैं बताता हूं, 7 मिलीग्राम हमारी बॉडी एक दिन के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है. इसका मतलब है कि अगर एक हफ्ते की बात की जाए तो 49 मिलीग्राम प्रोड्यूस करती है, राइट? तो यहां पर मैं लिखता हूं 49, राउंड अबाउट कर देता हूं, कैलकुलेशन इजी रहेगी, 50 मिलीग्राम. ठीक है, सो एक बंदा जो नेचुरल है उसका जो नंबर वन हॉर्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो 50 मिलीग्राम उसकी बॉडी प्रोड्यूस करती है हफ्ते के अंदर. और जो बंदा नेचुरल नहीं है वो क्या कर रहा है यहां पर, वो बाहर से ले रहा है. बाहर से कैसे ले रहा है? इंजेक्शन लगा रहा है. इसका मतलब है वो सिंथेटिक हार्मोन का इस्तेमाल कर रहा है, जो लैब में ड्रग है टेस्टोस्टेरोन, तो वो टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल कर रहा है. अब वो डोजेस जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है. मैं यहां पर वो डालने वाला हूं, अगर बंदा बाहर से जो इंजेक्शन लेता है हफ्ते के अंदर, वो बाहर से 300 मिलीग्राम का शॉट लेता है. 300 मिलीग्राम, क्लियर? एक जो नेचुरल बंदा है उसकी बॉडी 50 मिलीग्राम प्रोड्यूस कर रही है हफ्ते में, और जो बंदा नेचुरल नहीं है बाहर से ले रहा है टेस्टोस्टेरोन को, वो 300 मिलीग्राम हफ्ते में ले रहा है. अब यहां पर कोई लोग 500 मिलीग्राम भी लेते होंगे, कोई 750, कोई 1000. पीपल गो ऑल द वे अप, पीपल आर एक्चुअली अब्यूजिंग ड्रग्स. लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट लेवल, दैट्स इनसेन लेवल. लेट्स टॉक अबाउट 300 मिलीग्राम अ वीक. पकड़ लिया नंबर, आपके दिमाग में आ गया. अब इसकी बात करते हैं, जो बंदा 300 मिलीग्राम हफ्ते में ले रहा है वो एक साइकिल पर चल रहा है, 8 हफ्ते 10 हफ्ते 12 हफ्ते. ऐसा नहीं कि वो सारा साल टेस्टोस्टेरोन ले रहा है, नहीं, आपको मालूम है देयर इज अ साइकिल. मैं यहां पर 300 मिलीग्राम को 8 हफ्ते के अंदर ऐड करता हूं, मतलब 8 हफ्ते का एक नॉर्मल साइकिल है. 8 हफ्ते तक टेस्टोस्टेरोन बंदा ले रहा है बाहर से. तो जब 300 को आप
8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो गया 2400 mg, 2400 मिलीग्राम। जो बंदा नेचुरल नहीं है उसने बाहर से इंजेक्शन शॉट के थ्रू लिया, नॉट पिल्स, इंजेक्टिंग 2400 मिलीग्राम। एक बंदा 50 ले रहा है, नेचुरल उसकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, और दूसरे बंदे की बॉडी वो 50 नहीं प्रोड्यूस कर रही, क्योंकि जब आप बाहर से लेते हो आपकी बॉडी जो नेचुरल प्रोडक्शन है वो शट डाउन हो जाती है, ऑफ हो जाता है। इट मीन्स योर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन बाय इट्स ओन बिकॉज यू आर टोटली डिपेंड ऑन एक्सटर्नल हॉर्मोन बाहर से, जिसकी डोजेस जो है वो अगर आप कैलकुलेशन की जाए तो 7 गुना ज्यादा है एक नॉर्मल बंदे से। क्लियर हो गया? 7 गुना ज्यादा। यहीं पर ही आपको पता चल रहा है काफी चीजें। इसका मतलब है 2400 मिलीग्राम वो बंदा 2 महीने के अंदर ले रहा है। वो 2400 मिलीग्राम एक नेचुरल बंदा कितने टाइम में प्रोड्यूस करेगा? लेट्स डू द मैथ। अगर 2400 को मैं डिवाइड करूं 50 के साथ तो मुझे लगता है 48 वीक्स बनते हैं। इसका मतलब है नेचुरल बंदा 2400 मिलीग्राम उसकी बॉडी को नेचुरली प्रोड्यूस करने में 48 हफ्तों का टाइम लगेगा, 11 महीने। सो यहां पर हो गया कि एक बंदा वो 2 महीने के अंदर उसने एक डिसेंट बॉडी बनाई, वही नेचुरल बंदे ने 11 महीने के अंदर नेचुरल बॉडी बनाई। दोनों ने बनाई है, यहां टाइम ज्यादा लग रहा है, नेचुरल है क्योंकि आप नेचुरल हॉर्मोन पर डिपेंड हो जो रेस्ट ऑफ योर लाइफ तक रहेगा आपके साथ। हाँ, व्हेन यू गेटिंग ओल्ड इट स्लोली ड्रॉप्स डाउन, डजंट ड्रॉप डाउन क्रेजी, स्लोली ड्रॉप्स डाउन, बट नेचुरल। दिस इज ऑल यू ऑलवेज हैव टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल। नाउ द डोजेस आर टू हाई, एनीथिंग प्रोवाइडिंग लेस देन दैट इज अ डाउनफॉल, सो यू गोना गो हायर। ये नंबर लोग ऐड करते जाते हैं, 500, 750, 1000 बढ़ता जाएगा नंबर। तो ये एक क्रेजी है, ये ड्रग दिमाग को खराब करता है और ये चलता जाएगा, क्योंकि जिस दिन ये साइज गिरना शुरू हो गया, ये ड्रॉप करना शुरू हो गया आपका नंबर, साइज गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें मैं बाद में डिस्कस करने वाला हूं, ये एक मैथ समझ आपके आपको। इसका मतलब है एक बंदे ने, एक ड्रग वाले बंदे ने 6 महीने के अंदर अच्छी बॉडी बनाई, उसको 3 to 6 months के अंदर उसने एक अच्छी डिसेंट बॉडी बनाई। इस बंदे ने लगभग 2 साल के अंदर वो बॉडी बनाई। इसका मतलब है दोनों बंदे बॉडी बना रहे हैं। मैं आपको क्लियर एक चीज बता दूं, दोनों बंदे गोल अचीव कर रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू आर द अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन दे गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड। ये बंदा 2 साल के अंदर एक अच्छी बॉडी बना रहा है नेचुरली, ये बंदा उसको 6 महीने, 3 से 6 महीने के अंदर अचीव कर रहा है नेचुरली। अभी डाइट वर्कआउट की बात नीचे करता हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द ड्रग, ठीक है? तो इसका मतलब है अगर इस बंदे ने बॉडी बिल्डर बनना है नेचुरल जो नहीं है, तो बॉडी बिल्डर मतलब बड़े लेवल पर स्टेज के ऊपर कंपीट करना, आई एम नॉट टॉकिंग विनिंग द कॉम्पिटिशन, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉडी बिल्डर, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, not the pro card etc. these are the achievements, keep these things aside, professional bodybuilder। ye banda lagbhag 2 saal ki journey ke andar bodybuilder banega, ye banda lagbhag 5 saal 6 saal ki natural journey ke andar bodybuilder banega। keep in mind ye jo number to throw kar raha hu na main, ये थोड़े से ऊपर नीचे 20-30% नीचे जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल जेनेटिक्स, यू नो योर डीएनए, योर यू नो पॉजिटिव अप्रोच एटसेट्रा, डिसिप्लिन, ब्ला 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 ला, बहुत चीजें इन्वॉल्व है। इसलिए ये नंबर जो है ये वैसे आई एम जस्ट थ्रोइंग दीज नंबर। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इनको मिटाता हूं, यहां तक मैथ रखता हूं, ठीक है? लेट मी रेज इट। अब दूसरे की बात करने वाला हूं, दूसरा टेस्ट के पास टॉपिक है रिकवरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के ऊपर सारी गेम है रिकवरी। अब
दो बंदे ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसकी रिकवरी और इसकी रिकवरी के अंदर बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ये नेचुरल रिकवरी होगी। नेचुरल रिकवरी जो है नॉर्मल स्लो रिकवरी है। अगर आपने आज मंडे चेस्ट की और वो जो मसल सोरनेस है वो शायद 5-6-7 दिन तक चलता है। रिकवरी इज स्लो, रिकवरी इज नॉर्मल एंड स्लो। समवन हु इज टेकिंग ड्रग्स, आई मीन समवन हु इज टेकिंग टेस्टोस्टेरोन एक्सटर्नली हाई डोजेस, द रिकवरी इज गोना बी फास्ट। आज मतलब सोरनेस जो है वो आपको एक दिन में खत्म, क्यों? रिकवरी इज इनसेन विद दिस। सो नॉर्मल रिकवरी कंपेयर टू हाई रिकवरी, फास्ट रिकवरी। एक चीज आपको मालूम होगी, द फैस्टर यू रिकवर द फैस्टर यू ग्रो। समझ आई? बहुत सिंपल है, जितनी जल्दी रिकवर आपके बॉडी रिकवर करेगी उतनी जल्दी ग्रो करेगी। जब यहां पर रिकवरी नॉर्मल एंड स्लो है तो आपकी ग्रोथ का टाइम बढ़ता जाएगा। यहां पर जो रिकवरी बहुत जल्दी है और आपकी ग्रोथ जल्दी होती जाएगी। बहुत ही सिंपल साइंस बोल रही है, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू, ठीक है? एंड दैट्स द रियलिटी। जो बंदा नॉन नेचुरल है वो कहता है यार दर्द हो रही है, पेन नहीं जाई, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, एक्सेट्रा। ऑफकोर्स दैट्स हाउ इट इज, दैट्स एवरी नॉर्मल पर्सन गो थ्रू द 6-7-5 डेज प्रोसेस। यू हैड सम सप्लीमेंट्स, ग्लूटामिन एक्सेट्रा, एक दिन कट कर देगा। आई मीन अगेन रिकवरी इज गोना बी नॉर्मल एंड स्लो। दिस पर्सन इज क्रेजी, बिकॉज क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। यहां लिखता नेक्स्ट पॉइंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने फ्रीक्वेंटली आप उस मसल को दोबारा हिट कर रहे हो। मतलब कोई लोग करते हैं हफ्ते में एक वन मसल, कहते हैं वंस अ वीक, एक मसल को एक बार। कोई हफ्ते में एक मसल को दो बार ट्रेन करता है, कुछ लोग हफ्ते में 3 बार करते हैं। वो जो 3 बार करने वाले लोग हैं ना वो डिफरेंट है। अब उस 3 को यहां बहुत लोग नेचुरली नॉर्मली करने की कोशिश करते हैं, दे कुडंट एबल टू डू दैट बिकॉज मेजोरिटी ऑफ पीपल यहां फेल हो जाते हैं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी आपकी यहां पर कम होगी मसल बिल्डिंग में, लगभग वंस अ वीक और मैक्स ट्वाइस अ वीक। मैं अगर यहां लिख दूं आपकी फ्रीक्वेंसी 1-2 बार हफ्ते में होगी, यहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी 2-3 एंड समटाइम यू गो क्रेजी। मतलब है कि आप एक मसल को हफ्ते में 3 बार भी ट्रेन कर सकते हैं। जब आपकी बॉडी रिकवर जल्दी कर रही है, आज आपने बाइसेप किया आप दोबारा कर लो परसों, क्यों? एक तो मसल छोटा है, रिकवर बहुत जल्दी हुआ, व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस। यहां आपको करने में प्रॉब्लम होगी, बाइसेप की सोरनेस जाएगी नहीं, 2-4 दिन ऊपर जाएंगे। तो यहां पर आप हो सकता है 2 बार करो, हो सकता है वंस अ वीक करें। दैट्स अ बिग डिफरेंस एंड यू नो व्हाट आई एम सेइंग। फ्रीक्वेंसी इज द सेकंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बाद आ जाएगा ट्रेनिंग पीरियड, मतलब है कि आप कितने घंटे ट्रेन करेंगे। अगर मैं लिखूं टाइम पीरियड और ट्रेनिंग पीरियड, मतलब कितनी देर तक वर्कआउट करेंगे जिम के अंदर। जो बंदा नेचुरल है वो बहुत ज्यादा घंटे एक्सरसाइज नहीं कर सकता, क्यों? फटीग, टायर्डनेस, कैपेसिटी उतनी है इसके अंदर, कैपेसिटी उतनी। हाँ, कुछ लोग जेनेटिकली क्रेजी हैं, गिफ्टेड हैं, इट्स हार्ड टू फॉलो दोज पीपल बिकॉज हर एक का जीन्स होता है। इसीलिए यहां पर क्या होगा, मेजोरिटी, मैं जब बात कर रहा हूं मेजोरिटी के अंदर, देयर इज ऑलवेज पीपल हु आर क्रेजी, हु हैव अ क्रेजी डीएनए, यू नो। सो इसीलिए बहुत लोग यहां पर ज्यादा देर तक वर्कआउट भी कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट गोना बी इजी। अगर आप नॉन स्टॉप हफ्ते महीने सालों एक्सरसाइज करते हैं, यू डेफिनेटली, यहां पर ट्रेनिंग पीरियड डिफरेंट होगा। लेकिन यहां पर बात करने वाला हूं, आप यहां पर 1-2 घंटे एक्सरसाइज करते हो, यहां पर यू कैन गो लाइक 2-4 आवर्स। मतलब जो बंदा ड्रग नेचुरल नहीं है, टेकिंग सम एक्सटर्नल इंजेक्शंस, रॉयड्स, हॉर्मोन एक्सेट्रा, दैट पर्सन कैन ट्रेन लॉन्गर। यस, यू कैन ट्रेन लॉन्गर, लॉन्गर सेशन, ज्यादा देर तक मसल ब्रेक उतना नहीं करेगा बिकॉज यू आर ऑन एनाबॉलिक ड्रग्स। मसल ब्रेकडाउन, मस्ट नॉट मसल ब्रेकडाउन, कैटाबॉलिक स्टेज में जाना नहीं जाएगा, मसल खाया नहीं जाएगा उतना, क्योंकि आप डाइट की बात बाद में करने वाला हूं। So this drug is helping you to train longer versus the natural. You have a capacity, majority of people
get tied into our max. बाकी जिम में बैठे रहो आप फोन यूज करते रहो वो आई डोंट काउंट दैट ट्रेनिंग यू डन आफ्टर वन आवर टू आवर मैक्स यू कैन हिट फोर आवर्स इट्स काइंड ऑफ फुल टाइम जॉब हियर व्हाई द ड्रग इज पुशिंग यू सो क्या होता है टाइम पीरियड आपका बढ़ जाता है यू कैन ट्रेन लॉन्गर डू लॉन्गर सेशन रिकवर फास्ट एटसेट्रा एटसेट्रा आगे के पॉइंट बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है जैसे आगे ही पॉइंट लिखता हूं डाइट वर्कआउट सप्लीमेंट रेस्ट सेम सेम जी हां नेचुरल बंदा का वर्कआउट डाइट सप्लीमेंट रेस्ट सेम रहेंगे उसमें कोई चेंजअप नहीं है नेचुरल बंदा वही एक्सरसाइज करेगा जो ये करता है वही डाइट लेगा जो ये लेता है ऐसा कुछ नहीं है कि बंदा नेचुरल नहीं है तो भी आपने अंडे नहीं खाने आपने ये सब्जी नहीं खानी ऐसा नहीं यू कैन हैव अ सेम डाइट प्लान वर्कआउट प्लान सप्लीमेंट प्लान एंड रेस्ट स्लीपिंग आवर इज गोना बी सेम फॉर बोथ पीपल चेंज किस चीज की है टेस्टोस्टेरोन यही एडवांटेज कर रहा है इसका मतलब है एक और चीज नीचे कर दूं आपको मालूम है वो क्या है हेल्थ रिस्क मैं भी वो ऐड करता हूं रेड पेन से हेल्थ रिस्क जी हां हेल्थ रिस्क आपका यहां नेचुरल में हेल्थ रिस्क कैसा होगा इंजरी हो जाएगी ना वो तो आपकी ट्रेनिंग गलती हो गई उसमें ड्रग का काम कोई नहीं है तो नेचुरल बंदे का हेल्थ रिस्क नहीं है इवन बेटर होती है लॉट ऑफ मैं बाकी हेल्थ प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूं डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल ब्लाह ब्लाह एटसेट्रा आई एम टॉकिंग द हेल्थ रिस्क इज हाई बिकॉज द डोजेस आर टू हाई आपके ऑर्गन्स हार्ट लिवर एटसेट्रा एटसेट्रा सो मेनी अदर पार्ट्स जो है वो ओवर डोजिंग एक सिंपल थिंग ओवर डोजिंग क्योंकि दिस ये डोज तो कोई रेकमेंड करता ही नहीं आपको दैट्स अ नॉर्मल नेचुरल थिंग This is not natural. 7 times, 8 times. कुछ लोग यहां 1000 लेते हैं वो करते होंगे 20 गुना बढ़ गया गड़बड़ी तो होगी ओवरडोजिंग क्या होगा हाई रिस्क सो पीपल हु आर नॉट नेचुरल दे टेक रिस्क और उस रिस्क के अंदर बहुत लोगों को नुकसान भी होता है दो बंदों को पिक कर लिया एक बंदा दो बंदे सेम हाइट वेज एक्सेट्रा एक बंदा नेचुरल है दूसरा बंदा नॉट नेचुरल है एक बंदा की बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है टेस्टोस्टेरोन दूसरे बंदे की बॉडी जो है उसने एक्सटर्नल 300 मिलीग्राम ऐड किया है बाहर से उसकी डाइट भी सेम है उनकी ट्रेनिंग भी सेम है उनकी सप्लीमेंट भी सेम उनका रेस्ट भी सेम है जो बंदा नेचुरल है वो बंदा भी वही गोल अचीव करेगा जो बंदा ये कर रहा है बहुत सिंपल थिंग है गोल दोनों बंदे अचीव कर रहे हैं द प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं एक बंदा 2 महीने में जो बॉडी बिल्ड कर रहा है वो 11 महीने में बिल्ड कर रहा है जो बंदा 2 साल के अंदर बॉडी बिल्डर खड़ा करेगा वो 5-6 साल लगेगा उसको दोनों डेस्टिनेशन अचीव करेंगे अगर आपको मैं सिंपल एक और एग्जांपल दूं बहुत ही सिंपल दिल्ली से मुंबई 2 बंदे ट्रेवल करते हैं दिल्ली से मुंबई दोनों की डेस्टिनेशन मुंबई है एक बंदा जा रहा है बाय प्लेन 2 घंटे में पहुंचेगा क्यों स्पीड एक बंदा जा रहा है बाय ट्रेन 16-17 घंटे में पहुंचेगा दोनों मुंबई पहुंच रहे हैं एक बहुत जल्दी पहुंचा है एक को 17 आवर्स उससे बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट 7 गुना 8 गुना टाइम ज्यादा लगा है दैट्स द सेम थिंग दोनों बंदे जो है वो बॉडी बनाते हैं वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं गुड फिजिक बेस्ट फिजिक बट टाइम पीरियड इज द ओनली थिंग दैट नीड्स पेशेंस ये चीज है ना डाइट वर्कआउट ट्रेनिंग ये आपने ध्यान देना है फॉरगेट अबाउट दिस थिंग नेचुरल में आपको नॉर्मल स्लो में चलेंगे लेकिन यू विल रीच एक हफ्ते में एक सिंगल मसल डबल मसल कर लिया गुड इनफ यार व्हाई वांट टू हिट बाइसेप 3 times और चेस्ट 3 times a week आई नो सम पीपल ट्राई टू फॉलो बॉडी बिल्डर्स बट दे आर ऑन ड्रग्स समवन हु इज नेचुरल दैट ट्रेनिंग इज नॉट फॉर यू इट्स फॉर ह्यूमन बट मे बी नॉट फॉर यू बिकॉज रिकवरी इज स्लो सिक्स पैक बनाने के लिए ड्रग्स हैव नथिंग टू डू विद योर सिक्स पैक मसल जो बंदा नेचुरल है अगर आपको ये बोल दे कि आपके सिक्स पैक नहीं बनेंगे यू हैव टू गेट ड्रग्स ऐसे बंदों से दूर रहें सर क्योंकि सिक्स पैक बनाने के लिए ड्रग्स तो चाहिए नहीं
क्योंकि सिक्स पैक तो सभी के हैं, वो फैट है आपकी ऊपर लेयर, इससे जाएगी। ये चारों चीजें काम करेंगी उसके लिए। एक चीज होगी, अगर आपका डिसेंट साइज है तो साइज कम हो जाएगा, यू विल लूज मसल बिकॉज टेस्टोस्टेरोन उतना ज्यादा नहीं है, आप एनाबॉलिक में नहीं है, आपकी बॉडी ब्रेक करेगी मसल को। एब्स तो होंगे लेकिन थोड़े से पतले हो जाएंगे। जिस बंदे का पहले ही साइज कम है तो वो कम हो जाएगा, जिसका साइज ज्यादा है उसके एब्स भी साइज तब भी रहेगा। एब्स का कोई लिंक नहीं है ड्रग्स के साथ। सो बेसिकली दीज आर द थिंग जिसको आपने फॉलो करना है और पेशेंस आप में चाहिए, एंड बाकी आपके साथ मैंने सारी डिटेल आपको दी है। आई होप इससे आपको मोटा मोटा 80% आपके दिमाग में एक चीज तो पड़ी है कि नेचुरल बॉडी इज पॉसिबल। ऑल यू हैव टू डू इज कीप ट्रेनिंग, कीप फॉलोइंग द रूटीन, डाइट, रेस्ट, सप्लीमेंट एंड पेशेंस फॉर मंथ्स एंड ईयर, दैट्स इट। और वैसे भी गन्ना की फसल को साल लगता है, पॉपुलर लगने को 5 साल लगता है, तो वो नेचुरल जो ग्रोथ है ना, बड़े बड़े पेड़ जो है सालों का टाइम है और वो जाते नहीं कहीं। और यहां पर आपका लॉस कहीं नहीं है, यू विल नेवर लूज एनीथिंग दैट फास्ट। ओवर हियर यू विल लूज सो फास्ट, विद इन वीक्स यू स्टार्ट लूजिंग सो मच ऑफ स्टफ। व्हाई? बिकॉज ये बंद कर देंगे। और यहां पर अगर आपकी डाइट खराब ही होती, यू डोंट लूज दैट फास्ट बिकॉज यू ऑलरेडी ऑन नेचुरल। यह आउट ऑफ शेप तो हर कोई हो जाता है दोनों कैटेगरी में, अगर आप ट्रेनिंग रूटीन सब कुछ आपका खराब हो, वो तो ह्यूमन नेचर है, इसका नाम ऐसा भी स्टफ। सो सिंपल गाइस, दिस इज गुरुमान। वीडियो लंबी हुई, आई होप यू गॉट इट। टेक केयर गाइस, बाय।